हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज है 19 फ़रवरी 2021। आइए नज़र डालते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे। हाल ही में जारी किया गया उपन्यास अशोका असूत्र के लेखक कौन है? हमारा सही जवाब है ए इरविन एलन सिली। ये इरविन एलन सिली का नया उपन्यास है जो कि महान सम्राट अशोक का एक काल्पनिक संस्मरण है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इससे पहले पेंगुइन ने सिली के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित डेब्यू उपन्यास द ट्रॉटर नामा भी प्रकाशित किया था। हाल ही में किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है? हमारा सही जवाब है ए एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ समझौता किया है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की सीईओ हैं सी विजय कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 में और इसका मुख्यालय है नोएडा में। और इसने अभी किसके साथ साझेदारी की है? आईआईटी कानपुर के साथ। मां योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हमारा सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 रुपए में गरीबों और निराश्रितों के लिए पक्का भोजन मुहैया कराने के लिए मां कैंटीन की शुरुआत की है। सरकार 15 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी और 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इस योजना के लिए पश्चिम बंगाल में 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीप धनखड़। तो माँ योजना कहाँ शुरू की गई है? माँ योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हमारा सही जवाब है ए YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्हें ये अवार्ड समीर कोचर द्वारा प्रदान किया गया है। समीर कोचर आंध्र प्रदेश की तड्डेपेली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कॉच समूह समीर कोचर हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में पायलट पे जल संरक्षण किस योजना के तहत शुरू किया गया है? हमारा सही जवाब है ए जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पे जल संरक्षण शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है पानी के समान वितरण और एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से पानी की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में अपशिष्ट जल और जल निकायों का उपयोग का पता लगाना। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन सिंबॉलिक लैंग्वेज शब्दकोश के 3रे संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है?
हमारा सही जवाब है सी, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं। ये भारतीय सांस्कृतिक सांकेतिक भाषा का तीसरा संस्करण है। पहला 2018 में लॉन्च किया गया था और उस वक्त 3000 शब्दों के साथ इसे लॉन्च किया गया था। दूसरा संस्करण 2019 में लॉन्च किया गया था 6000 शब्दों के साथ, यानी 3000 शब्द नए जोड़े गए थे। और तीसरा संस्करण जो है इसमें टोटल 10000 शब्द हैं, यानी 4000 नए जोड़े गए हैं। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये कौन सा संस्करण है? ये है तीसरा संस्करण। हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल को अपने पद से हटाया गया है? हमारा सही जवाब है डी, पुडुचेरी। पुडुचेरी की उपराज्यपाल जो कि किरण बेदी थी, किरण बेदी को अपने पद से हटाया गया है। तो अब इनके पद पे कौन आ रहा है? इनके पद पे आ रहे हैं तेलंगाना के राज्यपाल, जिनको कि ये अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई, तमिलिसाई, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदर राजन, सौंदर राजन। ये किरण बेदी का अतिरिक्त प्रभार जो है कि लेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च किया है, इस ऐप का नाम क्या है? सही जवाब है ए, संदेश। केंद्र सरकार ने ये ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने ये ऐप लॉन्च किया है, जिसे हम बोलते हैं NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। अब NIC की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इनका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और इनकी महानिदेशक है नीता वर्मा। और NIC ने ही संदेश ऐप लॉन्च किया है, जो कि एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ऐप है। हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने हॉस्पी कैश के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हमारा सही जवाब है बी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट और ICICI दोनों ने मिलकर हॉस्पी कैश एक ग्रुप सेफगार्ड बीमा योजना शुरू की है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक। और इसके CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। वहीं पर ICICI लोम्बार्ड के CEO हैं भार्गव दास गुप्ता, भार्गव दास गुप्ता। इनका मुख्यालय है मुंबई में और इनकी स्थापना की गई थी 2001 में। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है मध्य प्रदेश। हमारा आज का सवाल है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थी हमारी कुछ आज की जानकारी। ऐसी ही और जानकारी देखने के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।